हाँ बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मतदान केंद्र पर यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँचे लो, उसके पहले की जो खूबसूरत तस्वीर है, वो अपने घर से जब निकल रहे थे तो अपने पिता के उन्होंने पैर पढ़े हैं, पैर दबा हैं, उनकी सेवा की है, और उसके बाद पूरे परिवार के साथ उन्होंने फोटो सेशन किया है, जो हमने सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को वो जो तस्वीर भेजी है, उसके बाद सीधे जलपान छोड़कर अपने मतदान के लिए निकले। और उसके मतदान के पहले भी सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर मत्था टेका है, बाबा हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। उसके बाद परिवार के साथ उनकी जो धर्मपत्नी सीमा यादव हैं, दोनों पुत्र हैं, उनकी बहू है, उसके बाद मतदान क्रमांक यहाँ पर जो 60 मतदान केंद्र 60 क्रमांक है वहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया था वहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे तो कुछ दिव्यांग और कुछ बुजुर्ग लोग थे वो जो चलने में असमर्थ थे, उनका हाथ पकड़ को अंदर लेके गए। उसके बाद जाकर उन्होंने पहले उनका वोट का नंबर था उन्होंने मतदान किया है, उसके बाद जाकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है, और वो भी लाइन में लगकर, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, राजा रंग सब एक समान होते, इसी का उदाहरण भी उन्होंने पेश किया है, क्योंकि दिव्यांग पहले थे, बुजुर्ग पहले थे, उनका पहले नंबर आना था, इसीलिए उन्होंने उनका पहले उन्होंने अपना मतदान किया। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मत का उपयोग किया है, और जैसे जैसे आज की जो तस्वीर आएगी वो हम सभी को दिखाएंगे, विस्तार न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों को दिखाएंगे, और सुबह से ही पल पल की अपडेट जो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से हम सभी करोड़ों दर्शकों को पहुँचा रहे हैं। और यही खास तस्वीर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर की मोहन यादव की जिस प्रकार की जो छवि रहती है उसी प्रकार वो यहाँ पर काम भी करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुँचे तो मीडिया का जो जमावड़ा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगातार वो अपने कहीं ना कहीं जिस प्रकार हुनर के माने जाते हैं, क्योंकि महिलाएं पहले थी तो महिलाओं को उन्होंने आगे किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। और एक छवि अलग ही हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही अपने घर से निकले तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद वो हनुमान जी के मंदिर पहुँचे थे, हनुमान जी को उन्होंने गदा भी दिया है, और यहाँ पर क्योंकि हनुमान जी की बड़ी लिए आस्था भी हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। एक मिनट निकल जाए एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। तो संतोष जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अगर सीएम से बात हो जाए मतदान करें, मतदान ये हर मतदाता का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, मैं मेरे को निकल जाए मताधिकार के माध्यम से न केवल लोकतंत्र गौरवान्वित करेगा बल्कि मोदी जी की जीत में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में बड़ा काम करेगा। सर घर से निकलने के पहले ही अपने पिताजी के पैर भी पड़े, सेवा भी अल्लाह भी करेंगे ना, वहाँ करेंगे बात है। सर हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया सर जी भाई साहब। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उसका कहना है मैं इधर छिप रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ यार लोग उनका स्वागत सत्कार भी कर रहे हैं, और विस्तार न्यूज से बात भी की है कि अभी तो मैं यही हूँ और विस्तार न्यूज से बात करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ संदेश दिया है संतोष आज सुबह सुबह से ही जो शिप्रा जा रहे हैं मुख्यमंत्री मतदान करने आए हो, मतदान करने शिप्रा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं शायद मुख्यमंत्री। तो हमारे जावाज रिपोर्टर हैं संतोष कृष्णानी उज्जैन में, और लगातार कोशिश करते हैं कि आपको एक एक तस्वीर सबसे पहले दिखाई जाओ। ये तस्वीर उस वक्त की जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए मतदान से पहले, उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहू, दोनों बेटे और पत्नी भी नजर आ रही हैं, पूरा जो परिवार है उस परिवार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और हाथ में आप देखिए त्रिशूल और गदा। यहाँ पर भगवान के दर्शन पूजन भी किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और दर्शन पूजन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वोट करने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है, और दो तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर में जिसने जन्म दिया माता पिता पूरा परिवार जिसके साथ मौजूद है, और एक तस्वीर जिनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचे, यानी कि ईश्वर की कृपा से, तो मंदिर में पूजा अर्चना, तो दोनों के लिए यहाँ पर सिर झुकाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तस्वीर आपके सामने है, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है डॉक्टर मोहन यादव की, ये तस्वीर आपके सामने। उज्जैन से वोट करने से पहले वो मंदिर पहुंचे, हाथ में गदा है, त्रिशूल है, और आप सबसे बड़ी बात ये देख रहे हैं उज्जैन से कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ पहले पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी पहले जो है आप देखेंगे कि परिवार के साथ एक फोटो सेशन भी होता है, और फिर अब वोट करते हुए यहां से रवाना हो चुके हैं।
जी हाँ, तो एक एक तस्वीर, एक एक खबर, एक एक पोलिंग बूथ से आपको सारी जानकारी लगातार दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। विस्तार से तस्वीर भी है, जानकारी भी है, और हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो आपको एक एक जानकारी दे रही है। छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर, कहीं मच जाइएगा। विस्तार न्यूज आप लगातार देखते रहिएगा, तुरंत हाजिर होते हैं।